शुरुआत करते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हिमाचल प्रदेश के 15वें सीएम। आज शिमला के रिज मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत भी सुक्खू के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। मुख्यमंत्री गहलोत शिमला में मीडिया से रूबरू हुए, कहा हिमाचल में आज से नई शुरुआत होने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस स्कीम का हमें फायदा मिला है। देश में राहुल गांधी के विचारों को आगे बढ़ाया जा रहा। हिमाचल प्रदेश में खुद प्रियंका गांधी ने शानदार काम किया। भूपेश बघेल, सचिन पायलट ने हिमाचल में चुनावी कैंपेन किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को शानदार समर्थन मिल रहा है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें सीएम बने और भूपेश बघेल, सचिन पायलट ने भी हिमाचल में चुनावी कैंपेन किया, इसको लेकर उन्होंने कहा है। आज मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में, तो एयरपोर्ट पर गहलोत की अगवानी करने आए सुक्खू। फिर मुख्यमंत्री गहलोत के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने सुक्खू को नई जिम्मेदारी की बधाई दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ में मौजूद रहे। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे एयरपोर्ट पर और उस दौरान सुक्खू जो थे वो अगवानी करने आए और इस दौरान गहलोत के पैर सुक्खू ने छुए। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मुख्यमंत्री गहलोत जब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो एयरपोर्ट पर गहलोत की अगवानी सुक्खू करने आए। फिर मुख्यमंत्री गहलोत के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने सुक्खू को नई जिम्मेदारी की बधाई दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। राहुल गांधी प्रियंका गांधी शिमला से पहुंचे सवाईमाधोपुर। चार्टर प्लेन से शिमला में दोनों पहुंचे चकचेनपुरा हवाई पट्टी। हवाई पट्टी पर बने सेफ हाउस में सोनिया गांधी ने इंतजार किया। राहुल प्रियंका के चकचेनपुरा पहुंचने का वो इंतजार करती रही। दोनों ने पहुंचने के बाद हवाई पट्टी पर सोनिया से चर्चा की। हिमाचल में नई सरकार और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये चर्चा हुई। चर्चा के बाद सोनिया गांधी चार्टर प्लेन से दिल्ली रवाना हुई। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी साथ आए। पिछले चार दिन से राजस्थान प्रवास पर सोनिया गांधी थी। रणथंभौर में राहुल प्रियंका गांधी के साथ अपना जन्मदिन मनाया। तो राहुल गांधी प्रियंका के साथ सोनिया गांधी ने जन्मदिन मनाया, लेकिन इसके बाद अगर आज की बात करें तो राहुल प्रियंका गांधी शिमला से सवाई माधोपुर पहुंचे और चार्टर प्लेन से शिमला से दोनों चकचेनपुरा हवाई पट्टी पहुंचे। हवाई पट्टी पर बने सेफ हाउस में सोनिया गांधी ने इंतजार किया। राहुल प्रियंका के चकचेनपुरा पहुंचने का वो इंतजार करती रही। दोनों ने पहुंचने के बाद हवाई पट्टी पर सोनिया से चर्चा की। हिमाचल में नई सरकार और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सोनिया गांधी चार्टर प्लेन से दिल्ली रवाना हुई और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी साथ आए। पिछले चार दिन से राजस्थान प्रवास पर थी सोनिया गांधी। रणथंभौर में राहुल प्रियंका गांधी के साथ में अपना जन्मदिन मनाया। बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। तो भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज सातवां दिन है। आज सुबह बूंदी जिले के बलदेवपुरा गांव से यात्रा शुरू हुई। राहुल गांधी और यात्री आज चलेंगे 24.3 किलोमीटर पैदल। सीएडी कैंपस लबांड पहुंचकर यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ। बूंदी के पापरी से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ। शाम 6 बजे लाखेरी रेलवे स्टेशन चौराहे पर होगी कॉर्नर मीटिंग, यानी कि लगभग अभी कुछ ही देर में ये मीटिंग होगी, तो वही कॉर्नर मीटिंग के साथ पूरी होगी आज की भारत जोड़ो यात्रा। बूंदी जिले के आजाद नगर में यात्रा करेगी आज रात्रि विश्राम। तो आज रात्रि विश्राम का एक कार्यक्रम भी है, तो वही भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में आज सातवां दिन है। आज सुबह बूंदी जिले के बलदेवपुरा गांव से यात्रा की शुरुआत हुई थी। राहुल गांधी और यात्री आज 24.3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। सीएडी कैंपस नबांड पहुंचकर यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ था। बूंदी के पापरी से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है। शाम 6 बजे लाखेरी रेलवे स्टेशन चौराहे पर कॉर्नर मीटिंग, तो वही कॉर्नर मीटिंग के साथ पूरी होगी आज की भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि थोड़ी देरी से आज यात्रा शुरू हुई है, तो ऐसे में जो 6 बजे का टाइम था वो भी आप मान के चलिए कि आगे के लिए शिफ्ट हो गया है और बूंदी जिले के आजाद नगर में यात्रा आज रात्रि विश्राम करेगी। चलिए बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की कुछ झलकियों की। तो आज बैलगाड़ी पर सवार हुए राहुल गांधी। एक दौर तब जब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था दो बेलों की जोड़ी। 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बेलों की जोड़ी था। भारतीय जनसंघ का दीपक और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का झोपड़ी था। समय बीतने के साथ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा हो गया।
राहुल गांधी ने आज अपनी ही पार्टी के इतिहास को रख दिया सामने। तो निश्चित तौर पर काफी सारे निशाने उन्होंने इसे एक तीर से किए हैं, एक और तो किसान वर्ग को साधने की कोशिश इस तस्वीर के माध्यम से, तो वही पुराने दिन पुराने दौर की याद सभी को दिला दी। तो भारत जोड़ो यात्रा की झलकियों की बात हम कर रहे हैं। आज बैलगाड़ी पर सवार हुए राहुल गांधी, एक दौर तब जब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था दो बेलों की जोड़ी। 1952 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बेलों की जोड़ी था। भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, तो वही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का झोपड़ी था। समय बीतने के साथ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा हो गया। राहुल गांधी ने आज अपनी ही पार्टी के इतिहास को सबके सामने रखा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में बढ़ेंगे लेवल 2 के पद, पद बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू की है, तो शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। तृतीय से द्वितीय श्रेणी में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की है, इसके बाद लेवल 2 के पद होंगे रिक्त, इन पदों को बढ़ाया जा सकता है भर्ती में। ऐसे में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में हो सकता है आंशिक बदलाव। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में बढ़ेंगे लेवल 2 के पद, पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू की है। तृतीय से द्वितीय श्रेणी में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसके बाद लेवल 2 के पद होंगे रिक्त, इन पदों को बढ़ाया जा सकता है भर्ती में। ऐसे में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में हो सकता है आंशिक बदलाव। नागौर के खिवसर में जन आक्रोश यात्रा, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, भाजपा प्रदेश मंत्री श्रवण बगड़ी, प्रदेश प्रमुख मीडिया संपर्क आनंद शर्मा और जिला अध्यक्ष समेत भाजपा पदाधिकारियों ने दिखाई ताकत। यात्रा में भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। जन आक्रोश यात्रा में अरुण सिंह का भी दिखा अलग अंदाज। अरुण सिंह ने ट्रैक्टर पर बैठकर निकाली रैली, तो दूसरी तरफ मकराना ने भी दिखाई अपनी संगठनात्मक ताकत। तो कोशिश यही है, भाजपा भी अपनी ओर से यही कोशिश कर रही है कि अपनी पूरी ताकत इस जन आक्रोश यात्रा में झोंकी जाए। तो वहीं नागौर के खिवसर में जन आक्रोश यात्रा पहुंची, तो वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, भाजपा प्रदेश मंत्री श्रवण बगड़ी, प्रदेश प्रमुख मीडिया संपर्क आनंद शर्मा और जिलाध्यक्ष समेत भाजपा पदाधिकारियों ने दिखाई ताकत। यात्रा में भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। जन आक्रोश यात्रा में अरुण सिंह का भी अलग अंदाज दिखा। अरुण सिंह ने ट्रैक्टर पर बैठकर रैली निकाली, तो दूसरी तरफ मकराना ने भी अपनी ताकत दिखाई। चलिए बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर कहां खो गए कांग्रेस की राजस्थान यात्री। राहुल गांधी की यात्रा के लिए कराया था रजिस्ट्रेशन, सैकड़ों लोगों ने राजस्थान यात्री के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया। झालावाड़ से अलवर तक रोज साथ चलना था राजस्थान यात्रियों को, लेकिन पहले दिन ही करीब 500 यात्री दिखे यात्रा में, उसके बाद धीरे धीरे गायब होने लगे राजस्थान यात्री। हालांकि करीब 50 से 60 यात्री लगातार बने हुए हैं यात्रा में, बाकी राजस्थान यात्री एक दो दिन के ब्रेक से आते हैं यात्रा में। इस बीच कुछ यात्रियों की सांसें भी फूलने लगी थी यात्रा में। अब PCC लगातार नहीं चलने वाले यात्रियों की तैयार कर रही है सूची। हमने देखा अलग अलग टेस्ट हुए, उसके आधार पर ये चयन किया गया कि कौन भारत यात्री होंगे। तो वही राजस्थान के लिए राजस्थान यात्रियों का चयन हुआ, पर अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये राजस्थान यात्री कहाँ खो गए। राहुल गांधी की यात्रा के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, सैकड़ों लोगों ने राजस्थान यात्री के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था। झालावाड़ से अलवर तक इनको रोज चलना था साथ, लेकिन 500 यात्री जिनका चयन हुआ, जिन्हें डेली दिखना था, पर वो भी अब धीरे धीरे गायब होते नजर आ रहे हैं। करीब 50 से 60 यात्री ऐसे हैं जो डेली यात्रा में नजर आ रहे हैं, बाकी राजस्थान यात्री एक दो दिन के ब्रेक से आते हैं यात्रा में। इस बीच कुछ यात्रियों की सांसें भी फूलने लगी थी यात्रा में। अब PCC लगातार नहीं चलने वाले यात्रियों की तैयार कर रहा है सूची। अब बात करेंगे मंत्री शांति धारीवाल की, फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न कोटा। लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी भी हुए कोटा के विकास कार्यों के मोरिंग। गृहनगर में UDH मंत्री धारीवाल को चौधरी से मिला आज एक और तमगा, जब अधीर रंजन ने कोटा के विकास कार्य देखने के बाद धारीवाल को कहा फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न कोटा। भारत जोड़ो यात्रा से मिली फुर्सत के दौरान कोटा दौरे पर थे अधीर रंजन चौधरी, और निश्चित तौर पर कोटा में जिस तरीके से विकास कार्य हुए हैं, तो हर कोई मंत्री शांति धारीवाल की प्रशंसा करता है। और जब अधीर रंजन चौधरी भी कोटा दौरे पर रहे, उन्होंने वहां के विकास कार्यों को देखा, तो वो भी इसके मुरीद हो गए। तो गृहनगर में UDH मंत्री धारीवाल को चौधरी से आज एक और तमगा मिल गया, जब अधीर रंजन ने कोटा के विकास कार्य देखने के बाद धारीवाल को कहा फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न कोटा।
तो भारत जोड़ो यात्रा से मिली फुर्सत के दौरान कोटा दौरे पर थे अधीर रंजन। तो ये तमाम घटनाक्रम हम आपके साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज आपको इन दिनों राजस्थान में नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा है जिससे उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को एक संजीवनी मिलेगी। तो वहीं इस दौरान जब अधीर रंजन चौधरी कोटा पहुंचे, कोटा के दौरे पर वो रहे, वहां के विकास कार्यों को उन्होंने देखा और शांति धारीवाल ने जो काम किए हैं जिसके बाद कोटा की तस्वीर बदल गई है, तो ऐसे में उन्होंने कहा और एक तमगा भी शांति धारीवाल को दिया कि ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न कोटा।